वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये कॉलोनी मैंने सिर्फ दो वाइल्ड लव बर्ड से स्टार्ट की थी, अल्बाइनो ब्लैक आई से। तो आज माशाल्लाह आप देखें, मेरी कॉलोनी बढ़ती जा रही है और ये सब मेरे घर के चिक्स हैं। कुछ मैंने बाहर से लाए थे एक आध पेयर ना, तो उनके नीचे मैंने एग्स वगैरह चलाए बाकी लव बर्ड के। इनके माँ बाप वो हैं, वो आपको नज़र आ रहे होंगे केज में, वो माँ बाप हैं उनके। ये बाकी सब जो है इनके नीचे कभी अंडे उनके नीचे मैंने रख दिए, चिक्स निकलवाए। अरे माशाल्लाह बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ये कॉलोनी। इसके नीचे आपको दिखाते हैं जावा, ये देखें, ये जावा, जावा का एक पेयर मैंने लाया था और माशाल्लाह आप देखें आप काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। उसके बाद ये गोल्डियन है, गोल्डियन फिंच आप देखें, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये आप देखें माशाल्लाह, ये तो इतनी खूबसूरत चीज़ है ना ये गोल्डियन। ये मैंने चिक्स लाए थे, ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बनाई हुई है। ये आजकल मेरा जावा का एक ये चिक, ये आजकल ही बॉक्स से बाहर निकला है, ये भी घर की ब्रीड है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये तीन है, अभी एक निकल आया, ऐसे ज़रा ज़्यादा जल्दी थी बाहर निकलने की, ये निकल आया। तू किधर आ गई है, तू किधर आ गई है, चल चल वापस जा, चल 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 उधर जा, चल 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 अपनी साइड पे, मुर्गियों की साइड वो है जी, मुर्गियों की साइड वो है, ये साइड मुर्गियों की है। ये देखें, ये मेरा भांजा अरखम, वो सेंटिनेंट देखें, ये इन सेंटिनेंट के माँ बाप ये हैं, ये देखें। बल्कि मैं आज देख लूँ, हैवी बफ ने एग दिए हैं या नहीं। इस सेंटिनेंट के नीचे मैंने अभी दूसरे फैंसी कबूतरों के, मुखी कबूतर नहीं होते, उनके अंडे आके ला के रखे हैं, क्योंकि ये अब अंडे नहीं देती बहुत। ये हैवी बफ और बेंटम दोनों ने अंडे दिए हुए हैं आज। ये कॉलोनी का मंजर इस साइड से, माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा सा नज़दीक जाते हैं नज़दीक। ये झूला भी लगाया हुआ है, देखें झूला बड़ा खूबसूरत, पसंद आया नहीं, हर वक्त झूले झूलते रहते हैं। और ये चिक्स 13 अंडे रखे थे, पता नहीं 8 और क्या हुआ उनको, रास्ते में ही मर गए। शुरू में बने थे अंडों के अंदर बच्चे, बाद में मर गए। ये अभी 5 ही निकले हैं, एक हैवी बफ का और एक वाइट बेंटम, दो तीन कुकू बेंटम। ये मेल है लड़ाका सेंटिनेंट का, इसकी नोक आप देखें, छोटी सी नोक है इसकी, चोंच जिसे चोंच कहते हैं पंजाबी में, नोक कहते हैं। लेकिन यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस गर्मी का क्या हाल करें यार, हम गर्मी का इलाज बता यार। ये देखें मुंह इन्होंने खोले हुए हैं अभी, हालांकि शाम 6:30 का टाइम हो गया, अभी भी ये देखें मुर्गियों ने मुँह खोले हुए हैं।
बेंगलीज की ये क्वालिटी होती है, ये किसी के भी अंडे रख दो इसके नीचे ना, ये निकालती है बच्चे और फिर पालती भी है उन्हें, इसकी ये क्वालिटी है। ये ब्रीडिंग के लिए बहुत बेस्ट है, इनके नीचे आप किसी भी स्पैरो के किसी फिंच के एग्ज आके रख दें, ये उनको पाल के देगी आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, हमारा और आपका ये साथ कायम रहे। इंशाल्लाह कल कुछ अरसे बाद मेरा चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैं आप दो लोगों को दुआएं भी दूंगा और आप भी कहेंगे यार ये हम इस ये जो चैनल है ना बहुत बड़ा, इसके हम स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर थे। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप जी भर के देखेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।